हेलो, मैं आकाश कुमार टेकडेफी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने प्रीवियस एग्जामिनेशंस जैसे एसएससी जेई, यूपी आरवीएनएल जेई, उत्तराखंड जेई, डीएमआरसी और कोल इंडियाज में पूछे गए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ये पार्ट टू वीडियो है, इससे पहले मैंने पार्ट वन भी अपलोड किया है, वो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। फ्रिक्शन एट द टूल चिप इंटरफेस कैन बी रिड्यूस बाय, तो क्या होगा, इंक्रीजिंग द कटिंग स्पीड। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टूल फ्रॉम रबिंग द वर्क डैश ऑन द टूल इज प्रोवाइडेड, क्या दिया जाता है, रिलीफ एंगल। और रिलीफ एंगल जो होता है वो कास्ट आयरन के लिए कितना होता है, 3 से 5 डिग्री। और टूल सिग्नेचर कंसिस्ट ऑफ, तो टूल सिग्नेचर हैज, इस पे 7 एलिमेंट्स होते हैं। ये 7 एलिमेंट्स है, बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल और नोज रेडियस। द कटिंग फ्लूड मोस्टली यूज फॉर मशीनिंग अलॉय स्टील, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सल्फराइज्ड मिनरल ऑयल। विच एब्रेसिव पार्टिकल्स वुड यू चूज फॉर ग्राइंडिंग टंगस्टन कार्बाइड, ठीक है ना, तो इसके लिए कौन सा एब्रेसिव हम लोग यूज करते हैं, तो यूज करते हैं डायमंड। कुछ एब्रेसिव्स के बारे में भी हम लोग जानते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या होता है, ये यूज करते हैं हम लोग फॉर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल जैसे स्टील, मलेबल एंड रॉट आयरन। सिलिकॉन कार्बाइड हम लोग किस लिए यूज करते हैं, फॉर लो टेंसाइल स्ट्रेंथ ब्रिटल मटेरियल्स के लिए और नॉन मेटालिक मटेरियल्स के लिए, कास्ट जैसे कास्ट आयरन, सॉफ्ट नॉन फेरस मेटल और मलेबल मार्बल स्टोन, ठीक है। और डायमंड का यूज हम लोग कैसे किस लिए करते हैं, फॉर कार्बाइड्स एंड वेरी हार्ड मटेरियल्स। वाट इज द वेलोसिटी ऑफ द टूल अलोंग द फेस नोन एज, क्या कहते हैं उसको, तो उसको कहते हैं चिप वेलोसिटी। अब देखते हैं हम लोग, द कटिंग वेलोसिटी किसको कहते हैं, इट इज द वेलोसिटी ऑफ अ टूल रिलेटिव टू द वर्क, ठीक है ना। और चिप वेलोसिटी किसे कहते हैं, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द चिप रिलेटिव टू द टूल एंड डायरेक्टेड अलोंग द टूल फेस। और शेयर वेलोसिटी कैसे कहते हैं, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द चिप रिलेटिव टू द वर्क पीस एंड डायरेक्टेड अलोंग द शेयर प्लेन। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ 18, 4 एंड 1 एचएसएस टूल इज, तो इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डब्ल्यू, सी आर और वी। डब्ल्यू क्या है, टंगस्टन, सी आर क्या है, क्रोमियम और वी वैनेडियम। ऑन टूल फेस क्रैटर वियर ऑकर्स मेनली ड्यू टू, क्रैटर वियर किसके लिए, किसके कारण होता है, तो डिफ्यूजन के कारण। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ टूल वियर्स, तो टूल वियर्स जो होते हैं वो 4 तरह के होंगे, फ्लैंक वियर, क्रैटर वियर, चिपिंग ऑफ कटिंग एज और नोज वियर। फ्लैंक वियर क्या होगा, फ्रॉम द रबिंग, रबिंग बिटवीन न्यूली वर्क सरफेस एंड द फ्लैंक फेस। क्रैटर वियर क्या होगा, कनकेव सेक्शन बाय द सेक्शन ऑफ चिप स्लाइडिंग अगेंस्ट द सरफेस। और चिपिंग ऑफ द कटिंग एज क्या होगा, तो होगा कैटेस्ट्रॉपिक, ठीक है ना। सिरामिक कटिंग टूल आर मेड ऑफ, ये किसका बना हुआ होता है, तो ये बना हुआ होता है मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम। द टूल मटेरियल विच हैज हाई हीट एंड वियर रेजिस्टेंस इज, क्या हो जाएगा, तो सीमेंटेड कार्बाइड। द ओनली एंगल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल डिपेंड इज, किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है रेक एंगल पे। A flame cutting in stainless steel plates is performed by, किसके द्वारा perform किया जाता है, तो addition of iron powder. The process of increasing the thickness of the bar at the expense of its length is called, क्या कहेंगे उसको, तो उसको कहेंगे upsetting. Upsetting का एक example है before plastic deformation, एक upper die लगा हुआ रहता है, इससे billet अगर बीच में है, lower die यहाँ पे stationary रहता है, ये moving part रहता है, तो जब ये press करता है तो देखो bulging हुआ, और ये after plastic deformation जो product है वो ये हो जाता है। TCS is an acronym of, किसका होगा, तो इसका हो जाएगा traction control system, which later are used to denote soft grade of grinding wheel, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा A to H. The rivet head for boiler is, क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा snap head. अब देखते हैं हम लोग different types of head,
तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हेड कहेंगे, बीच वाला शैंक और नीचे वाला टेल। तो स्टेपल जो होता है वो किस तरह का होता है, कोनिकल होता है, पॉइंटेड, उसका हेड पॉइंटेड होता है। पैन हेड कैसा होता है, तो पैन हेड लार्ज वाला देखिए ये इस तरह का है और ट्रेपोजाइडल उसका ऊपर वाला सरफेस होता है। पैन स्मॉल हेड इस तरह का होगा और स्नैप हेड तो हम लोग देख ही चुके हैं। इन ईडीएम द टूल इज मेड ऑफ, टूल किसका बना हुआ होता है, तो टूल बना हुआ होता है कॉपर का। ईडीएम मशीन लगा हुआ है, यहाँ रेक्टिफायर होता है, यहाँ से पावर सप्लाई हुआ, कंट्रोल करंट कंट्रोल करता है, सर्वो मोटर लगा हुआ रहता है, मूवेबल इलेक्ट्रोड यही हो गया, और यहाँ वर्कपीस है। ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है ये कैरोसिन होगा। द टूल सिग्नेचर इन अमेरिकन स्टैंडर्ड 8, 10, 6, 6, 12, 2, 30, 0 साइड रेक एंगल इज, कौन सा होगा साइड रेक एंगल, तो ये हो जाएगा 10 डिग्री। अब हम देखते हैं टूल सिग्नेचर के डिफरेंट, बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल और नोज रेडियस। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मोर टू रिड्यूस वियर ऑफ टूल, क्या ज़्यादा होना चाहिए, तो होना चाहिए डेंसिटी और हार्डनेस। द रिलेशनशिप बिटवीन द शियर एंगल, फ्रिक्शन एंगल, कटिंग रेक एंगल एंड द मशीन कॉन्स्टेंट फॉर द वर्क मटेरियल इज, तो इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2α + β - α = 5। इन मशीनिंग प्रोसेस द चिप ब्रेक ड्यू टू, किसके कारण होता है, चिप ब्रेक वर्क हार्डनिंग के कारण। द कटिंग एंड फॉर्मिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन अ सिंगल ऑपरेशन इन अ डैश डाई, किस डाई में होता है, तो ये हो जाता है कॉम्बिनेशन डाई में। अब देखते हैं हम लोग डिफरेंट प्रेस ऑपरेशन। ब्लैंकिंग देखिए इस तरह का होता है, पंचिंग इस तरह का होगा, ट्रिमिंग और स्ट्रेटनिंग। द डायमीटर ऑफ ड्रिल इज 40 mm एंड डेप्थ ऑफ कट इज, तो डेप्थ ऑफ कट कितना होता है, तो डेप्थ ऑफ कट हमेशा डायमीटर का हाफ होगा, तो ये हो जाएगा 20 mm। लो हेलिक्स एंगल ड्रिल आर यूज फॉर ड्रिलिंग होल इन, किसमें करने के लिए होता है लो हेलिक्स एंगल ड्रिल का यूज, तो ये हो जाता है कार्बन स्टील के लिए। द ऑपरेशन ऑफ शेपिंग अ ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, तो उसको कहेंगे हम लोग ड्रेसिंग। ट्रूइंग किसको कहते हैं, इट इज एन ऑपरेशन टू गिव अ ट्रू ज्योमेट्रिकल शेप एज इट बिकम वॉर्न फ्रॉम एन ओरिजिनल शेप। और ड्रेसिंग किसको कहेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग क्लीनिंग एंड ओपनिंग अप ऑफ द फेस ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील, इट रिमूव्स वॉर्न आउट ग्रेन्स फ्रॉम द फेस ऑफ द व्हील। नोट करने की बात यह है कि ऑपरेशन ऑपरेशन ये दोनों ही ऑपरेशन जो है सेम टूल से होता है, बट पर्पस अलग अलग है। थैंक यू, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं मोटिवेटेड रह सकूँ इस तरह के वीडियोज़ को और बनाने के लिए। थैंक यू।